हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक डिजिटल वोल्ट मीटर के हम लोग किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। यहां पे मेरे पास टेंस का DAV 120 मॉडल का एक डिजिटल वोल्ट मीटर एमीटर है और इससे आप लोग सिंगल फेस वोल्टेज और सिंगल फेस पे आपका जो भी लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है उसका आप लोग करंट भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे 120 एम्पियर तक का लोड आप लोग इससे चेक कर सकते हो, यानी कि करंट आप लोग यहाँ पे 120 एम्पियर तक का करंट चेक कर सकते हो। और इसके साथ में आपको CT भी मिलता है, तो CT आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिंगल फेस का जो भी आपका लोड होगा 120 एम्पियर तक का, उसको आप लोग इस डिजिटल की हेल्प से आप लोग करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस DAV 120 डिजिटल वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके कनेक्शन सीखेंगे। तो ये है हमारे पास टेंस का DAV 120 डिजिटल एम्पियर वोल्ट मीटर। ओके, तो यहाँ पे DAV 120 का मतलब है, DAV का मतलब है यहाँ पे डिजिटल एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर, 120 का मतलब है कि इससे आप लोग 120 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो इसके कुछ नीचे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग लाइन वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग CT की वायर्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर दे रखा है। ये डिजिटल वोल्ट मीटर एंड एमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है DAV 120। 120 का मतलब यहाँ पे अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, इससे आप लोग 1 एम्पियर से लेकर के 120 एम्पियर AC 50-60 हर्ट्ज ये आप यहाँ पे करंट मेजर कर सकते हो। और अगर वोल्टेज की बात करें तो 150 वोल्ट से 270 वोल्ट AC ये इसका न्यूट्रल और लाइन आप लोग इसको दोगे तो यहाँ पे आप लोग वोल्टेज भी यहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो वोल्टेज यहाँ पे शो होगा आपको और करंट आपको यहाँ पे शो होगा। और कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है, जो भी आपका सिंगल फेज का लोड है। अब यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन आपने अपने लोड पे दिया होगा, मान के चलो यहाँ पे मैं आपको मोटर का एग्जांपल दूंगा, सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है हमारे पास। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने लाइन और न्यूट्रल अपने मोटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, उसी के बीच में से हम लोग यहाँ पे दो वायर्स लेंगे और वहाँ पे लाइन और न्यूट्रल से ले करके उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल पे। उसके बाद बात रही CT की, तो CT को हम लोग अपनी लाइन वायर में कनेक्ट करेंगे, लाइन वायर के बीच में हम लोग इसको डाल देंगे और जो हमारी CT की दो वायर्स है उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है, K और I। ओके, यहाँ पे, और जो ये एक यहाँ पे टर्मिनल्स दिया हुआ है ये स्पेयर है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कोई भी टर्मिनल्स नहीं है एंड ये इसका कनेक्टर है डिन रेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अपने जो हमारा डिन रेल रहता है वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, बाकी इसके साथ में जो आपको ये टेंस का डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर है यहाँ पे, इसके साथ में आपको CT भी मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो AT 120 ये इसका CT है, 120 सेम 120 एम्पियर तक का ये करंट मेजर करेगा। एंड यहाँ पे अगर हम वायर की बात करें तो वायर भी काफ़ी अच्छी वायर दी हुई है इन लोगों ने, काफ़ी लंबी वायर है। तो चलिए अब हम लोग इसे कनेक्शन देखते हैं कि हम लोग इसको अपने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से हम लोग उसका वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कनेक्शंस पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नीचे की साइड में जो ये कनेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल और यहाँ पे K और I लिखा हुआ है। K I जो है ये CT के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हम लोग CT की वायर कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आप सर्किट डायग्राम को देख करके बहुत ईजी तरीके से कनेक्शन कर लोगे इसके। और साथ में CT भी दिया हुआ है और CT की वायर भी काफ़ी बड़ी CT की भी है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपनी मोटर की तो ये मोटर की दो वायर निकली हुई है अपने जंक्शन बॉक्स से, तो यहाँ पे हम लोग लाइन और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास दो वायर हैं, जो ब्लू कलर की वायर है ये मेरी लाइन वायर है, तो इसको मैं क्या काम करूंगा, इसके बीच में मैं CT को डाल दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे CT कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि CT को आपको पता रहेगा CT किस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं पता है CT किस तरीके से काम करता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये ब्लू कलर की वायर मैंने मोटर की एक वायर के साथ में कनेक्ट कर दी जो कि मेरा लाइन वायर है, और जो ग्रीन कलर की वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया एज अ न्यूट्रल। ओके, तो ग्रीन एज अ न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करते नहीं है, बस मैंने जस्ट यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखाने के लिए मैंने ग्रीन वायर यूज की हुई है।
उसके बाद अगर हम लोग अपने डिजिटल एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, लाइन और न्यूट्रल सेम हम लोग यहीं से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो एक और ब्लू वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ उसी वायर में जहाँ पे मैंने अपना सीटी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और जो इस वायर का दूसरा वाला सिरा है इसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने डिजिटल एमीटर वोल्ट मीटर के साथ में। तो यहाँ पे जो एल वाला टर्मिनल है ना, एल वाले का मतलब है कि ये लाइन टर्मिनल है, लाइन वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग लाइन वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो ये वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको वोल्टेज भी मेजर करना है तो इसलिए हमें लाइन और न्यूट्रल दोनों ही यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सेम दूसरी वायर कनेक्ट करके और इस वाली वायर को हम लोग न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे सीटी की। तो सीटी के कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, जो ये सीटी की दो वायर आपको दिख रही है ब्लैक और वाइट कलर की, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे के और आई वाले टर्मिनल पे। ओके, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सिंपली इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं। जो अपना ब्लैक वाली वायर है उसको आप लोग के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो, और जो आपका आई वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे आप लोग व्हाइट कलर वाली जो आपकी वायर है इसको आप लोग कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो सिंपली कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा और मुझे कोई यहाँ पे कनेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने कनेक्शंस होने के बाद अब मैं क्या काम करूँगा, जो ये वायर मेरी ओपन है ना, इस वायर को मैं टेप लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको टेप लगा देते हैं ताकि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कोई शॉक वगैरह ना लगे। तो यहाँ पे देखो मैंने टेप लगा दी है दोनों वायर्स में, और अगर अब आप लोग सीटी को देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि सीटी मैंने यहाँ पे क्यों लगा रखा है। सीटी से हम लोग यहाँ पे करंट मेजर करेंगे कि भाई हमारा जो लाइन वायर है उसमें कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और हमारी मोटर कितना करंट ले रही है। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम अपनी मोटर को विदाउट लोड चेक करेंगे कि विदाउट लोड हमारी मोटर कितना करंट ले रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वोल्टेज 204 वोल्ट है और करंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 0.9 एम्पियर का करंट ले रही है ये मोटर। ओके, तो ये है हमारा विदाउट लोड। अगर हमारी मोटर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, मोटर हमारा पानी नहीं उठा रही है अभी, तब जा करके यहाँ पे 0.9 एम्पियर के आसपास ही मोटर करंट ले रही है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर मोटर लोड पे रहती है तो उस टाइम पे मोटर कितना करंट लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं अगर दोबारा से मोटर को मान के चलो ऑफ करके ऑन करता हूँ, दोबारा से अगर मोटर को मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी और मोटर देखो यहाँ पे पानी उठा रही है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज भी डाउन हो गया 194 वोल्ट और करंट यहाँ पे 3 एम्पियर के आसपास करंट है। ठीक है, तो 3 एम्पियर अभी ये मोटर हमारी करंट ले रही है और वोल्टेज भी थोड़ा सा दब गया है, थोड़ा सा डाउन हो गया, 195 के आसपास वोल्टेज हो गया। तो ये सिंगल फेज वोल्टेज और हमारा मोटर कितना करंट ले रही है वो हम एक ही डिवाइस की हेल्प से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से हम लोग एक डिजिटल वोल्ट मीटर एमीटर के कनेक्शन करते हैं। ये एक सिंगल फेस डिजिटल वोल्ट मीटर है। सेम अगर आप लोग थ्री फेस में जाते हो तो थ्री फेस में क्या होता है कि हमको आर, वाई, बी और न्यूट्रल चारों वायर देनी होती हैं, और इसी तरीके से अगर हम जो सीटी के कनेक्शन यहाँ पे मैंने सिंगल फेस के लिए किए हैं तो वहाँ पे थ्री फेस के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आर फेस के लिए दो वायर आएंगी और वाई फेस से दो वायर आएंगी, इसी तरीके से बी फेस से दो वायर आएंगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं थ्री फेस के लिए भी एक डिजिटल एमीटर वोल्ट मीटर के कनेक्शन करके आपको दे दूंगा, या फिर उसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमको प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।